तो लास्ट क्लास में हम लोग नाउन के बारे में स्टार्ट किए थे, तो मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। नाउन अपना क्या होता है, कोई भी चीजों का सॉरी आइडेंटिटी बताता है, पहचान बताता है। अब क्या चीज का पहचान बताता है, तो उसके डेफिनेशन में छुपा था। क्या होता है, नेम होता है नाउन। क्या चीज का नेम होता है, कोई पर्सन का, कोई प्लेस का, कोई चीजों का, थिंग का, या फिर कोई ऑब्स्ट्रेक्ट, ऐसे इस सारे चीजों का यहाँ पास क्या चीज को बोलते हैं अपना, सिंपली नाम को बोलते हैं ना। तो जितने भी चीजें आप देखते हो नाम, ठीक है, कोई जीव जंतु है, क्रिएचर है, कोई प्लेस है, कोई जगह का नाम है, ओके, या फिर आपका अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या चीज को बोलते हैं, आपको पता होगा। जो चीजें मतलब भाव वाली चीजें, जैसे कि अब जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, डेथ, ये भी एक मतलब आएगा अब्स्ट्रैक्ट में। चलो, तो आज हम लोग सभी चीजों में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नाउन पे। तो कल की क्लास में आप लोग को नाउन को पहचानने का तरीका बताया था, जिसमें से दो तरीका आप लोग को याद होगा। एक वाट का आंसर देता है बोले थे, और दूसरा चीज बोले थे कि आप लोगों को पॉजिटिव एडजेक्टिव के थ्रू पहचानते हैं। तो अगर आपको वाट के थ्रू समझ नहीं आ रहा है वाट का आंसर देते हुए, तो आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना है। पॉजिटिव एडजेक्टिव को जस्ट उसके सामने में रख देना है, कोई भी वर्ड रहेगा उसके सामने में, फिर उसके बाद चेक करके देखना कि इसमें सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेंस आ जा रहा है तो समझ जाओगे कि वह नाउन है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा नाउन नहीं है। और इसके छोड़ भी और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू अपन पहचान लेते हैं कि नाउन है कि नहीं है। तो आप लोग को आगे आने वाले क्लासेस में और बताऊंगा, जो सब इम्पोर्टेंस रूल शेयर करूंगा उसमें आप लोग को समझ आ जाएगा। चलो ठीक है जी। तो अब मैं आप लोग को आज के क्लास पे डिस्कस करना चाहूंगा। आज का क्लास है अपने टाइप ऑफ नाउन। तो आप लोग उससे मैं पहले पूछना चाहूंगा, नाउन जो बात कर रहे हैं, जो संज्ञा जो डिस्कस कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस आप लोग को फ्यूचर में समझ आते जाएगा, बट मैं यहाँ पास आप लोग को इन जनरली पूछना चाहूंगा, टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी? कितने टाइप के नाउन होते हैं जी, कोई बताओगे क्या? कोई रिसर्च करके आए हो? मैंने बोला था ना रिसर्च करके आना, अपने से खुद से सीखना है। अच्छा, देखो यहाँ पास ये चीज बोले थे ना कि अब यहाँ जो क्लास जो है सेल्फ डिपेंडेंट की जर्नी की ओर आगे बढ़ेगा करके, जिसमें से आप लोग को टोटली फोकस कराया जाएगा आप अपने से कैसे सीख सकते हो। मैं पहले ही दिन बोल दिया था कि उन लोगों के लिए जो खुद से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इस वजह से मैं आप लोग खुद से कैसे सीखते हैं उस टेक्निक को अवेयर करा रहा था ना, मैं कैसे अपने खुद से सीखता हूँ उस चीज को। अगर आप अप्लाई करना शुरू हो गए तो आप लोग कुछ टाइम बाद अपने आप को खुद इंप्रूव करना शुरू हो जाओगे ऑटोमेटिकली, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज मैं आप लोग को चाहता हूँ, आप लोग वैसा हो जाओ ऐसे करके, ताकि फ्यूचर में आप हर चीज अपने से खुद से सीख जाओ, क्योंकि हर चीजों को मैं आप लोग को सिखा नहीं सकता। ठीक है, हर चीज कहने का मतलब है आपको बहुत सारे डाउट्स आएगा, तो वो सब चीजें आप खुद से अगर सॉल्व करना सीख जाओगे तो आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो टेक्निक के बारे में बात करूँ, तो मैंने इस वजह से आप लोग को मैं बोला था, कुछ टास्क दिया था कि चलो तो ठीक है, टाइप ऑफ नाउन को खुद से पहले रिसर्च करके आओ, कुछ वीडियोस देख लो, कहीं से बुक से पढ़ लो, या फिर किसी से पूछ लो। तो ये सब चीजें आप सोर्स कौन सा फॉलो करते हो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन जनरली मतलब सिंपल ही पूछते हैं, फिर भी आप लोग टाइप ऑफ नाउन अभी तक कितने जानते हो बताओगे? कोई भी सर 5 होते हैं जी, पांच होते हैं, तो ओके, तो प्रॉपर नाउन, बताओगे कॉमन जी? नाउन क्या? यस सर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके दो ओके, दो अच्छा, पार्ट में बटे हुए हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ओके, उसमें अपन बाद में जाएंगे, उसको अभी रहने दो, ठीक है ना। बस नॉर्मली भी टाइप ऑफ नाउन में रहते हैं, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल में नहीं जाते, ठीक है ना। तो फिर आप सही तो बोल रहे हो, बट इतना ही क्यों है, इससे ज्यादा क्यों नहीं रहा, पांच ही क्यों है, ज्यादा भी तो हो सकता था। और यही नाम क्यों रखा गया, क्वेश्चन किया कभी अपने आप से कि सिर्फ रट लिए देखकर, गाइड में, बुक में, वीडियो में यही बताया है तो अपन भी मान लेते हैं, ऐसा सोच लिए क्या? तो आप लोग को सीखने का तरीका सिखा रहा, सीखा कैसे जाता है, क्या आपने क्वेश्चन करके देखा अपने आप से टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी है? अगर टाइप नहीं रहता तो भी तो काम चल जाता, वर्ड्स तो वही है जो है पहले से, बट टाइप की जरूरत क्यों पड़ी? कोई रिसर्च की है इसके बारे में? मैंने बोला था ना इस क्वेश्चन को रिसर्च करना है सबको ऐसे करके। अगर एक बच्चा छोटा सा अगर ढूंढना शुरू करता तो वही सी क्वेश्चन करता ना कि टाइप ऑफ नाउन मेरे क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत पड़ गई मेरे को, नहीं पढ़ता तो क्या होता, ऐसा। तो आप लोग बताओगे कोई भी? चलो ठीक है, मैं नाम से लेकर टारगेट करके पूछता हूँ, ताकि इससे आसानी जाता है कि अपने को
ही ना, आप बताओगे जी टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर नहीं पता है तो नहीं करके भी बता देना सिंपली, अपन अपन तो बताएंगे, टेंशन मत लो, क्लास के फिनिश होते तक सब चीजें आप लोग को समझ आ जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई आपको फ्यूचर में पूछेंगे तो आप लोग आसानी से बता दोगे ताकि, ठीक है? तो मैं फर्स्ट तो यहाँ पास पूछ रहा हूँ हिना से। हिना आप क्या बताओगे जी कि टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी? वॉइस में बता दो। नहीं सर, ऐसा करके बोल रहे हैं। चलो ठीक है, हिना पटेल का आंसर नो है, तो क्लियर है उनका। उसके बाद नेक्स्ट हेमलाल से पूछूंगा मैं। हेमलाल आप बताओ जी, आपको क्या लगता है टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी? सर शायद मेरे ख्याल से क्योंकि इसमें मतलब नाउन होता है पर्सन प्लेस थिंग और जो एब्स्ट्रैक्ट को बताता है तो एक चीज को नहीं बता रहा है तो बहुत सारी चीज को बता रहा है, इसीलिए मतलब टाइप अलग अलग टाइप जो एक चीज को बताए, मतलब एक एक टाइप एक में चीज पर्सन को जैसे कि, बता रहा है, एक टाइप में पर्सन को ही अच्छा बता रहा है, एक में प्लेस को बता रहा है और एक टाइम में थिंग्स बता रहा है और एक टो में ग्रुप ऑफ पर्सन को बता रहा है सर। अच्छा, ऐसा मैं आपको रॉन्ग भी प्रूफ करूंगा आराम से, अच्छा मतलब सुन बैठिए ठीक है। तो आपके हिसाब से तो फिर मतलब इसका नाम ऐसा कुछ और होना चाहिए था, पांच नाउन जो बोल रहा है उसका नाम कुछ और चेंज करके, आपके हिसाब से मेरे को लग रहा है। एक हम लोग पर्सन नाउन रखते हैं पर्सन नाउन, दूसरा का प्लेस नाउन रखते, तीसरे का थिंग नाउन रखते, आपके हिसाब से तो हम लोग तो नाम कुछ और रखे हैं। यस सर मतलब देखा जाए तो आपके हिसाब से वही होना चाहिए ना नाम, एक का पर्सन नाम यस रख दो पर्सन, एक का प्लेस नाउन रख दो, एक का थिंग नाउन रख दो, एक का अब्स्ट्रैक्ट नाउन रख दो, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो, बट ऐसा तो नहीं देखने मिला हमको। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप फिर से पूछना चाहूंगा बाकी लोगों से। रितु आपको क्या लगता है जी कि आपको क्या लगता है टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें आपका टेक क्या है, आपका ओपिनियन क्या है? अच्छा बाकी लोग तो सुन रहे हैं ना, ऐसे मेरे को डाउट तो नहीं जा रहा है कि रितु बस नहीं सुन रही है? सुन रही हूँ सर। हाँ तो बताइए ना जी, आपको क्या लगता है? नहीं पता तो नहीं करके भी बोल सकते हो। आपको सर नहीं क्या लगता है पता। कि, अच्छा डायरेक्ट मतलब हमको मतलब रिस्क लेना ही नहीं है देखो नहीं ट्राई पता है तो करो। सर घुमा फिरा कि क्या बोलूँ। हाँ ओके, तो इससे पहले आपने रिसर्च नहीं किया, क्योंकि मैंने रिसर्च के लिए सबको मतलब बोला भी हाँ था ना सर कि मैं रिसर्च रिसर्च करके आना नहीं है, की। नहीं किए ना, तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप खुद नहीं सीखना चाहोगे तो कौन सिखाएगा आपको? आपको अपने सर आप को ऐसा भी सीखना नहीं है, है याद रख। क्योंकि कोई रीजन के कारण ना मैं रिसर्च नहीं कर पाई थी और मैं कल आफ्टरनून की क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई थी। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट पार्वती से पूछना चाहेंगे। पार्वती आप बताओगे जी, मैं सबका मतलब पहले राय जानना चाहता हूँ, सबका मतलब देखना चाहता हूँ कि क्या किए हो, इससे आप लोग को आने वाले क्लासेस में हेल्प मिलेगा ना। ये तरीका है जो टेक्निक है जिसको मैं आप लोग को टीच करा रहा हूँ। मैं आंसर तो 2 मिनट में आप लोग को दे दूंगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं एक का आंसर दूंगा वो सीख जाओगे तुरंत, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक है जिसको आप लोग खुद से कैसे सीख सकते हो, इसमें बात हो रही है ना, तो इस वजह से तो मैं आप लोग को एक नया तरीका देना चाहता हूँ। तो यहाँ पास मैं पूछ रहा हूँ पार्वती से। पार्वती आप बताइए जी कि आपको क्या लगता है कि टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? अगर नहीं होता तो भी तो काम चल जाता। सर हाँ बताइए। पता अच्छा ट्राई नहीं किए आप ढूंढने का? नहीं। अच्छा ओके, कोई नहीं, अब नेक्स्ट डे से ट्राई करोगे? हाँ सर ओके। तिलक आपको क्या लगता है जी? तिलक पहले से मतलब मैसेज टाइप करके रखा था, मेरे को लगता है जैसे मेरे को नाम आएगा उसके बाद मैं सेंड कर दूंगा ऐसे करके, तो उन्होंने तुरंत चैट में सेंड कर दिया, नहीं पता सर है जी ऐसे करके ओके कोई नहीं, चलो ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी को पता होगा तो हैंड राइज कर सकते हो, अदरवाइज मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर। किसी को पता है हैंड राइज कर सकते हो? नहीं पता,
नहीं पता है तो हैंड रेस कर दो, फिर मेरे को समझ आ जाएगा, मेरे को अब बताना है ऐसे करके। नहीं पता वाले में तो तुरंत हैंड रेस कर दिए, क्या बात, आप लोग रिसर्च नहीं किए हो जी, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोगों ना, बता देता हूँ, मेरा चैनल पे मतलब जब एक साल पहले मैं वीडियो बना रहा था, इंग्लिश वाला ही चैनल पहला ही स्टार्ट किया था, उसमें इस सब चीज को कवर किया था ना, नाउन तक ही पहुंचा था, उसके बाद मैं आगे बढ़े को स्टार्ट किया तो फिर उस चैनल को टोटली बंद कर दिया। तो अगर उस चैनल में अगर कोई देखा होगा तो उनको पता होगा कि ये सब चीजें मैं ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। देवराज बोल रहे हैं मेरा फर्स्ट क्लास है ऐसे करके, ओके कोई नहीं, अपन तो ऐसे काफी टाइम से क्लास लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप मिस कर चुके हो, बट कल का क्लास कितना इम्पोर्टेंट था बाकी लोग को पूछ सकते हो नाउन के बारे में। तो कोई नहीं, आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो में ऑलरेडी बना के रखा था एक साल पहले, अब इस सब चीज को भी कवर कर चुका हूँ ना, टाइप ऑफ नाउन को। भले ही वीडियो का क्वालिटी आप लोग को अच्छा नहीं मिलेगा उसमें, मतलब मेरा बोलने का भी तरीका आप लोग को अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम मैं इम्प्रूव कर रहा था अपने आप में, सीख रहा था कि कैसे बोला जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कैमरा को। ओके कोई नहीं, अब यहाँ पास आप लोग को हमेशा के लिए सिखा देते हैं कि कैसे सीखा जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी इसको बताते हैं पहले आप लोग को। टाइप ऑफ नाउन क्या चीज है, नाउन के प्रकार, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आप लोग से पूछा मैंने, तो आप लोग इजीली बता दे कि 5 टाइप के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे आसानी से बता दिए। बट यहाँ पास जब पूछे कि इसका जरूरत क्यों पड़ी तो आप लोग सोच में पड़ गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया ही नहीं है, क्योंकि आप रटने वाले माइंडसेट से सीखते हो, सीखने वाले माइंडसेट से नहीं सीखते। तो पहले आप लोग को माइंड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि सीखने वाला मतलब, यहाँ पास एक चीज ये मत सोचा करो कि मेरा एग्जाम में काम आएगा, मेरे लाइफ में काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं, बस इस चीज को मेरे को सीखना है, काम आया मत आया कहीं पास भी, मेरे को सीखना है और डिटेल के साथ सीखना है, ये सोचकर तो बस यही एटीट्यूड के साथ सीखते हैं तो अच्छे से मतलब अपने को समझ आते हैं। मैं यहाँ पास कोई नंबर के लिए नहीं पढ़ता, मेरे कोई नंबर नहीं चाहिए, मैं बस इसको जानने के लिए पढ़ता हूँ, तब मेरे को आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बताता हूँ, अब एक एग्जाम्पल दूंगा, लाइव एग्जाम्पल, जिससे आप लोग को कनेक्ट हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि क्यों जरूरत पड़ी उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग सुन रहे हो ना, सभी को सुनाई दे रहा हो तो हैंड रेज कर दीजिए, ताकि मैं एग्जाम्पल को अब दूंगा, सबको सुनाई दे रहा है। क्या होता है कि जो जिसके पास शॉप होगा सब आसानी समझ जाओगे, शॉपकीपर है ना, एक दुकानदार है, उसके पास एक आदमी आता है और उनको जस्ट बोलता है कि मेरे को बिस्किट चाहिए करके, ठीक है, क्या बोलता है, बिस्किट चाहिए बोलता है। फिर शॉपकीपर उसके पास जाता है, ठीक है बिस्किट देता हूँ बोलता है, फिर ढूंढना शुरू होता है ना, उसके पास बहुत सारा सामान होता है, ठीक है सब सामान होता है उसके मतलब शॉप में, उसकी दुकान में, बट वो ढूंढ रहा है बिस्किट कहाँ है ऐसे करके, ढूंढते ढूंढते उसको 10 मिनट निकल जाता है। जो कस्टमर होता है वो फिर से बोलता है जल्दी से दीजिए ना, मेरे को जल्दी घर जाना है ऐसे करके बोलता है ना, तो हाँ ढूंढ रहा हूँ दे रहा हूँ ऐसे बोलता है, ढूंढते रहता है, सब सामान इधर उधर मतलब बिखरा हुआ रहता है, बहुत सारा सामान रहता है, हर सामान रहता है उसके पास, लेकिन बिस्किट उसको मिलते नहीं रहता है। तो क्या होता है कि कस्टमर एकदम गुस्सा हो जाता है, देना है तो दो नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ बोलता है। तो जो दुकानदार होता है, हाँ 2 मिनट रुको ऐसे बोलता है, 2 मिनट करते करते उसको 2 घंटा हो गया रहता है, मिलते ही नहीं रहता है। तो यहाँ पास प्रॉब्लम क्या हुआ कोई बताओगे? अब वही कस्टमर दूसरे दुकान में जाता है और बोलता है बिस्किट दो, और उसको 2 मिनट में मिल जाता है, और 2 मिनट में बिस्किट मिल जाता है और चला जाता है वहां से, उसके बगल वाले दुकान से खरीद के। फिर तो दोनों दुकान में अंतर क्या था जी, कोई बताओगे? पहला दुकान और दूसरे दुकान में टाइम, टाइम नहीं, हाँ टाइम तो था ही, और क्या रीजन था टाइम सर? क्योंकि उसने बिस्किट उसका नाम नहीं बोला। अच्छा नहीं, एक सेकंड, हाँ पार्वती आप क्या बोल रही हो जी? हाँ जो कस्टमर थे उसने बिस्किट ही मंगा और उसका नाम नहीं बताया कि उसको कौन सी बिस्किट चाहिए, हो सकता है यही रीजन है। नहीं नहीं, वो तो मतलब बिस्किट कोई भी दे दो ऐसे करके बोला था, बिस्किट चाहिए था बस उसको, उसको मतलब बस साबुन नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ बिस्किट चाहिए था, ठीक है। उन्होंने पैसा दिया, छोटा सा बच्चा था, उसको नाम ही नहीं पता था बिस्किट का, तो बिस्किट बस मंगने आया था ना, दूसरे दुकान में गया बिस्किट मंगा 5 का, उसको मतलब तुरंत मिल गया 2 मिनट में, लेकिन पहला वाले दुकान में उसको 2 घंटा लगा, नहीं मिल रहा था। तो उसमें प्रॉब्लम दुकानदार की थी, और दोनों दुकानदार में मतलब क्या चीजें मतलब कॉमन थी, मतलब क्या चीजें मतलब कॉमन नहीं बोलूंगा, क्या चीजें मतलब अलग था दोनों में, कौन बताओगे? पहले दुकान,
सर पहले दुकानदार को शायद बिस्किट पता ही नहीं था कि क्या क्या होता है बिस्किट करके। दुकान खोला जी, उसको सब नहीं पता। चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ आप सभी को। सर, अब मतलब पहले मैं थोड़ा देर दुकानदार पहले इसका का आंसर, लेवल ठीक नहीं था ठीक से, इसलिए उसको नहीं मिल पा रहा था। दूसरे दुकानदार सबको अच्छे से अरेंज करके रखा था, इसलिए उसको तुरंत मिल गया। हाँ, ये है आंसर, राइट आंसर। ठीक, समझ आया आप लोगों को? सामान अगर आपके पास अरेंज होकर रहेगा, अब जहाँ पास जो चीज सामान रखना चाहिए, आपको पता है कि यहाँ पास बिस्किट है, यहाँ पास साबुन है आपका, यहाँ पास ऑयल है, ऐसा सब चीज क्लियर रहेगा, यहाँ पास ब्रश है, यहाँ पास कोलगेट है, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। बट आपका सब सामान मिक्स पड़ा हुआ है तो आपको दिक्कतें होगी ना। तो हाँ, जिन्होंने अभी बोला उन्होंने सही आंसर बोला। ऐसे मैं बताने वाला भी था इस चीज को, ऐसे मतलब मैं हिंट भी दिया था ना जब बता रहा था स्टोरी ना, उस टाइम बोला भी था कि सब सामान बिखरा हुआ है, सब सामान है उसके पास, ऐसे करके भी बोला था। बट आप लोग उस चीज को ध्यान नहीं दिए थे। तो समझ आया जी आप लोगों को कि क्या दोनों में डिफरेंस था? दोनों दुकान में एक के पास सब सामान अरेंज होकर नहीं था और दूसरे के पास अरेंज करके था, तो जिसके पास अरेंज था उनको आसानी गया। तो सेम यहाँ पास बात हुई। नाउन जो बता रहे हैं, दुनिया में वर्ड्स कितने सारे हैं? 99 वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं सर के बोले थे ना, या फिर 95, ऐसे मतलब अज्यूम कर लो, तब मतलब मान के चल लो 90+ जितने भी वर्ड्स होते हैं दुनिया में सब नाउन ही होते हैं। तो फिर अब इतने सारे वर्ड है तो ये सब मतलब बिखरा पड़ा हुआ है, इसको कुछ तो अरेंज करके रखना था हमको ग्रामर में, चाहे जो भी हो अपने नाम को बताने के लिए। तो इसको अरेंज करके रखने के लिए अपने सहूलियत के लिए, किसी और के सहूलियत के लिए नहीं किए इस चीज को। टाइप ऑफ नाउन को हम लोग किस लिए बनाए? अपने सहूलियत के लिए, ताकि हमको दिक्कतें ना हो, किसी और को दिक्कत हो या ना हो, ये चीज हमको मतलब नहीं है। समझ आया आप लोगों को? जो दुकानदार था पहला वाला और दूसरा वाला में अंतर क्या था? दूसरा वाला ने अपने सहूलियत के लिए सब सामान को जमा कर रखा था, अरेंज करके रखा हुआ था। इस वाले पार्ट में मैं ये चीज को रखूंगा, इस वाले पार्ट में इस सामान को रखूंगा, इस वाले पोर्शन में इस सामान को रखूंगा, ऐसा करके उन्होंने डिवाइड करके रखा था। लेकिन पहले वाले ने सबको मिक्स रख दिया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अपने सहूलियत के लिए हम लोग क्या बना के रखे हैं? पार्ट ऑफ नाउन बना के रखे हैं, टाइप ऑफ नाउन बना के रखे हैं, सॉरी, टाइप ऑफ नाउन बना के रखे हैं। ठीक है, अब आप लोग को समझ आया, एक शॉर्ट में हिंट मिला। अब चलें अंदर, चलें इसका डीप में जाएं। यस सर, टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी करके आप कोई पूछेगा तो बता दोगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। तो इसका आंसर आप लोग कहे नहीं दे रहे थे जी, इतना सो आसान तो था इसका आंसर, सिंपल से तो था, बस आप लोग ऐसा सोचे नहीं थे, आपने रिसर्च ही नहीं किए थे, तो कहाँ से मिलता आपको? देखो, क्वेश्चन करने से, सही क्वेश्चन करने से सही आंसर मिलता है, बस और कुछ नहीं। मैंने क्वेश्चन किया, मेरे को आंसर मिला। एक दिन में नहीं मिलता तो क्या हुआ, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, कभी ना कभी तो मिल जाता है आंसर। तो आप लोग को भी क्वेश्चन करने का हैबिट्स होना चाहिए, खुद से, किसी और से नहीं, खुद से। जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं मिलेगा। और चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कि एक ऑब्वियस क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो नाम रख रहे हैं अब, जैसे कि अब मैं डिवाइड करके रखा दुकान में, इस वाले पोर्शन पे मतलब मैं यहाँ पास ऊपर में टैग लगा के रखा हूँ कि इस वाले पोर्शन में ओनली मेरा क्या सामान रहना चाहिए, साबुन से रिलेट करके सामान होना चाहिए, और इसमें मतलब और कुछ रहना चाहिए करके मतलब ऑयल से रिलेट करके रहना चाहिए, ऐसा मतलब यहाँ पास टैग लगा के रखते गए ऊपर में ना, नाम लिख लिख कर। तो वैसे यहाँ पास कुछ नाम लेकर रखे हैं, पहला प्रॉपर नाउन बोल दिए, तो मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा प्रॉपर नाउन क्यों हुए रखे, कुछ और रख सकते थे? अब सोचो, अब यहाँ पास से अब इंटरेस्टिंग क्लास शुरू होता है, आप लोग का जो सोचने का तरीका है वो चेंज होगा ना। हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है, कोई भी चीज ऐसे नहीं बना दी है, सब चीज के पीछे रीजन होता है, उस रीजन को जानना इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने ट्राई किया तो मेरे को पता चला, मैं आप लोग को जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को तो बताऊंगा ही, क्लास फिनिश होते तक आप लोग को सबको पता चल जाएगा। तो पहला यहाँ पास प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का नाम प्रॉपर नाउन क्यों पड़ा, क्यों रखे प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन ही क्यों रखे, कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन क्यों रखे, मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन क्यों रखे, ऑब्जेक्ट नाउन है तो ऑब्जेक्ट नाउन क्यों रखे। तो इन सभी में हम लोग एक एक कर करके डिस्कस करते हुए जाएंगे। ओके, तो आर यू रेडी? क्या आप लोग रेडी हो? यस सर, तो ठीक है जी, आप लोग का फिर से अब एक स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, जिसमें आप लोग को पूछते जाएंगे करके। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है आप सभी से, प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन क्यों पड़ा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा करके बोलते हैं हिंदी में, आप लोग को पता होगा, लेकिन मेरे कुछ से मतलब नहीं है। यहाँ पास मैं पूछ रहा हूँ प्रॉपर नाउन क्यों पड़ा, कोई बताओगे? प्रॉपर वर्ड सुनकर आपके माइंड में क्या क्या आता है, क्या इमेज आता है? कुछ तो आता होगा, प्रॉपर सुन के क्या आ रहा है आपके माइंड में, कुछ इमेज आ रहा है? चलो अब टारगेट करके पूछते हैं, ऐसे में फिर मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। तिलक आपको क्या लगता है जी, आपने हैंड राइज किया है तो आपको क्या लगता है कि प्रॉपर वर्ड सुनकर आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है? सर प्रॉपर नाउन किसी खास स्थान व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं। अच्छा किसी खास स्पेशल, क्या बात है आपका, कोई स्पेशल फिर व्यक्ति के बारे में बताओ, पर्सन ये। अच्छा नहीं, हाँ हाँ बताओ, राम सीता हो गए। अच्छा राम सीता हो गया, वो लोग खास हैं, क्या बात है। और प्लेस फिर वैसे फिर बोल दो, श्रीलंका। रायपुर, रायपुर। अच्छी आपको कहना है, ओके। अब बाकी से भी पूछ लेते हैं, बाकी लोग का क्या टेक है इस चीज को लेकर, बाकी लोग क्या सोचते हैं? निधि आपको क्या लगता है जी, प्रॉपर नाउन प्रॉपर वर्ड को सुनकर आपको क्या आ रहा है माइंड में? कुछ तो आ रहा होगा, प्रॉपर वर्ड को बता दो बस, मैं नाउन को पूछ ही नहीं रहा हूँ यहाँ पास, ओनली प्रॉपर को पूछ रहा हूँ, आपके माइंड में क्या आ रहा है? ट्राई करोगे एक बार? सोचो, आसान तो है, प्रॉपर प्रॉपर बहुत बार यूज करते रहते हैं ना रियल लाइफ में, काम को प्रॉपर वे में करो, ऐसे करके बोलते रहते हैं। चलो किसी और को पूछते हैं, आप आंसर नहीं दे रही हो, ठीक है, तो कुछ और रीजन होगा मे बी आपकी तरफ, नेट वगैरह का प्रॉब्लम भी। अच्छा इसमें और कौन दिख रहा है, ठीक है, तो देवराज आप बताओगे जी, आपको क्या लगता है प्रॉपर मीनिंग को सुनकर आपके माइंड में क्या आ रहा है, कुछ भी इमेज आ रहा है प्रॉपर को सुनकर? सर मेरे ख्याल से यह एक ब्रांड जैसे, जैसे उस वस्तु का निर्माण कर रहे तो उसी प्रकार का नाम रख रहे वो। हाँ हाँ वो तो है ही, तो मैं यहाँ पास एक सिंपल से क्वेश्चन पूछा हूँ कि ये जो प्रॉपर है इसके मतलब सुनते आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है, क्या हो सकता है प्रॉपर का मीनिंग, हम इसका यूज कैसे करते हैं अपने लाइफ में इस वर्ड को? जी सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ वस्तु का निर्माण करे तो उसका जो नाम रहता है ना, तो प्रॉपर उस नाम से ही उसको प्रचलित होते हैं। अच्छा, मतलब मैं नाम ठीक है उसको, जैसे सीमेंट बना रहे तो अंबुजा सीमेंट है तो अंबुजा सीमेंट ही रहता है, अल्ट्रा से ट्रिक ऐसे करके मेरा मतलब है प्रॉपर करके। हाँ सही बोल रहे हो, हाँ आपका कहना सही है, ओके। और मैं किसी और से पूछता हूँ, किसी और को बताना है जी, हाँ बोलिए, हाँ बताइए रितु, हाँ आपको क्या लग रहा है? सर प्रॉपर जैसे कि आप लोग डेली यूज करते हैं, प्रॉपर वे पे करो, व्यवस्थित तरीके से करो, ऐसा टाइप का कुछ। हाँ हाँ ठीक है, तो आप लोग का माइंड थोड़ा सा ओपन होते जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है, आप लोग को मैं सीखने का तरीका सिखा रहा हूँ, सीखा कैसे जाता है खुद से, क्योंकि ये चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं बता दूं इसको तुरंत दो मिनट में, बताने के लिए तो बता सकता हूँ, बट आप लोग खुद से सीखना सीखोगे कैसे, इस चीज को मैं हिंट दे रहा हूँ, ये आइडिया दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ जिससे आप लोग इन फ्यूचर दिक्कतें नहीं जाएगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, बात इंग्लिश की नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो मैं इंटरेस्ट लाने के तरीका सिखा रहा हूँ आप लोगों को, सही क्वेश्चन करो सही आंसर मिलेगा और आप लोग को समझ आते जाएगा, ओके। अब आप मैं अपना आंसर बताता हूँ, उसके बाद इसमें आते हैं इस वर्ड पे, मतलब मैं तीन एग्जांपल दूंगा और एक लास्ट में स्टोरी भी बताऊंगा, पहले तो तीन एग्जांपल देता हूँ, ठीक है।
एक कुरियर में आदमी होता है, ठीक है, डाकघर पे, उनको सॉरी आजकल पता है आप लोग को डिलीवर करने के लिए मतलब हमेशा आते रहते हैं आसपास। आप लोग कुछ भी ऑर्डर करते होगे, तो कुछ भी सामान वगैरह मंगाते होगे ऑनलाइन, तो एक डिलीवर बॉय आते रहता है डिलीवरी करने के लिए सामान को। तो अब वो आपके पास कैसे आ पाएगा? कहीं पास भी जा सकता है वो, बट आपके ही पास कैसे आएगा? लोकेशन उनको सर आपका, देखो बहुत सारी चीजें अब मैटर करता है। आपका प्रॉपर नाम पहले उनको पता रहेगा, लोकेशन आपके यहाँ आ गया, चलो ठीक है, आपका लोकेशन पहले उसको पता चला, प्लेस आपका पता चला उनको प्रॉपर कहाँ आना है, और दूसरा चीज उनको पता चला कि आपका नाम क्या है, क्योंकि कोई भी हो सकता है, किसी भी आकर थोड़ी दे देगा प्लेस में, आपका नाम देखेगा ना प्रॉपर। आप उसके बाद आपको कोई भी चीज दे देगा क्या? उसके पास तो 10 से 12 चीज रहता है, कोई भी चीज तो नहीं पकड़ाएगा। आप जो मंगाया वही चीज देगा, तो प्रॉपर उसी चीज को कैसे देता है, उस चीज को, थिंग को, तो उसमें भी कुछ आइडेंटिटी रहता है। कुछ आइडेंटिटी मतलब नाम, नाम मतलब नाउन। अब जान गए, तो अब यहाँ पास नाउन को भी ऐड करूंगा प्रॉपर के साथ, दोनों को कनेक्ट करते हुए। अब दूसरे एग्जाम्पल्स देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को हिंट देते जा रहा हूँ, आप लोग को समझ आते जाएगा कैसे। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, इस एग्जाम्पल में है, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, घूमने जा रहे हो, तो पहले आप लोग क्या करते हो, एक सिंपल सा बस लेते हो। बस में जाने के बाद अब उनसे बोलते हो, किनसे? कंडक्टर से, टिकट के लिए आता है कंडक्टर आपके पास टिकट मांगने के लिए। आप लोग को पता, पूरा इमेजिन हो रहा होगा ना, उन आपसे पूछता है कि कहाँ जाओगे, ऐसे करके, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। तो फिर वो बताता है, आप लोग बताते हो मेरे को एक, मतलब बोलते हो सिंपल, मेरे को गांव जाना है, ठीक है, विलेज जाना है सर के बोलते हो। फिर वो मतलब गुस्सा हो जाता है, फिर पूछता है दोबारा कहाँ जाना है, ऐसे करके। फिर आप बोलते हो मेरे गांव जाना है, तीसरा बार फिर पूछता है कहाँ जाना है बता दो, ऐसे करके। तो आप फिर बोलते हो मेरे को गांव जाना है, तो फिर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बताओ नहीं फिर उतरो, ऐसे बोलता है ना। तो आप बताते हो मेरे को रायपुर जाना है, ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले मतलब डिस्कस हो रहा था, कौन था, तिलक था ना, बोला था रायपुर करके, हाँ, तो तिलक बोलता है कि मेरे को रायपुर जाना है। तब उनको समझ आता है कि इनको कंडक्टर को कि प्रॉपर एक जगह का नाम बताया, तब उनको समझ आया। जब तक उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया था, तब तक उनको समझ नहीं आया था कंडक्टर को। तो आपको समझ आ रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या चीज को बोलते हैं? आप उस चीज को एकदम क्लियरली बताया हो, प्रॉपर वे में बताया हो कि मेरे को इस जगह जाना है, तो अभी तो आपको उस जगह का टिकट देगा, वहीं पास छोड़ेगा। ऐसे में तो कहीं पास भी छोड़ सकता है, गाँव तो बहुत सारा है, विलेज मतलब सिटी तो बहुत सारा है। आप जहाँ जाना चाहते हो वहां का प्रॉपर एड्रेस बताया, ठीक है, प्रॉपर उसका नाम बताया, नाउन बताया, नाउन को क्या बोले थे, मैं कल बताया था नाम है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब इससे डेफिनेशन को आप लोग देखो, डेफिनेशन ऐसी नहीं बना है, डेफिनेशन के पीछे भी रीजन रहता है। क्या चीज को रिफर करता है? इट रिफर टू द नेम ऑफ पर्सन। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, पहले तो जूम आउट कर लेते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इस चीज क्या चीज को बताते हैं यहाँ पास, थोड़ा सा और कुछ वर्ड मेरे ऐड कर लेना था। अब प्रॉपर नाम बताएगा, और क्या चीज का प्रॉपर नाम बताएगा? कोई पर्सन का प्रॉपर नाम बताएगा, कोई प्लेस का प्रॉपर नाम बताएगा, या फिर कोई चीजों का प्रॉपर नाम बताएगा। तो मैं जिसमें से भी आप लोग को प्लेस के बारे में बताया हूँ ना, तो समझ आया, रायपुर करके बोला, एग्जैक्ट प्लेस का आप नाम बताया, तभी आपको कंडक्टर वहां पास छोड़ा बस से। ये चीज क्लियर हुआ जी आप लोगों को, सभी लोग को, जितने लोग को क्लियर हुआ हैंड राइज कर दो। अब थोड़ा देर अपन पहले बात किए थे शॉप का, तो जिसमें से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि आप बिस्किट खरीदने गए थे, तो अब दुकानदार पूछेगा आपको, जिसमें पहला दुकानदार से तो आपको सामान नहीं मिला, दूसरे दुकानदार के पास गए, अब पूछे उनको कि मेरे को बिस्किट चाहिए, तो अब उनके पास अब फिर से बोलता है कौन सा बिस्किट चाहिए करके। तो आपने बिस्किट का फिर नाम बताया, प्रॉपर उसमें नाम बताया, जैसे कि आप लोग को फेमस वाला बिस्किट आप लोग को पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो पार्ले जी, ऐसे करके, तो आपने उसका नाम बताया, तो आपको उसके बाद दिया ना। ऐसे में तो फिर बिस्किट बहुत सारा होता है, बिस्किट बस बोलने तो समझ नहीं आएगा, तो आपने उस चीज का, थिंग का प्रॉपर नाम बताया, तो आपको मिल गया। ओके, अब तीसरा चीज और आते हैं, कोई पर्सन के नाम पे। पर्सन क्या है? आप लोग खुद पर्सन हो। मैं अब देखो मैं बोलूंगा, चलो ठीक है, स्टूडेंट लोग अपना अपना आंसर दो, ऐसे उसमें समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं बोलूंगा एक प्रॉपर नाम लेकर बोलता हूँ किसी का भी, तो उस टाइम पे आप लोग को समझ आ जाएगा कि हाँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी बोलता हूँ पार्वती, क्या आपको समझ आया जी? यस सर।
हाँ तो देखो अब इसका प्रॉपर नाम लिए तो समझ आ गया, बाकी लोग कहा है मतलब इसमें रिप्लाई नहीं किए, रीजन आपको समझ आया ना, क्योंकि हम लोग इसका प्रॉपर पर्सन का नाम लेकर बोले हैं। तो आपको समझ आया प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, प्रॉपर मीनिंग आप लोग ध्यान से समझो, नो डाउट, कोई डाउट नहीं रहता है उसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं, क्लियर है सब चीजें अपने को, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिसमें हम लोग को कोई डाउट नहीं होता, हमको सारी चीजें क्लियर होती है, ऐसे नाम तो उसको हम लोग किस में ला देते हैं, प्रॉपर नाउन में ला लेते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया सभी को, आप हैंड राइज कर दो। कोई भी ऐसा नाम जो कोई पर्सन का हो सकता है, कोई प्लेस का हो सकता है, या फिर कोई चीजों का हो सकता है, जिसमें अपने कोई डाउट नहीं रहेगा, अपने क्लियर रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ओके सब लोग को अब समझ आ रहा है धीरे धीरे। तो इससे पहले कुछ सोचे थे प्रॉपर नाउन के बारे में, रिसर्च किए थे कुछ, कोई बड़ा चीज था क्या? और देखा जाए तो कुछ बड़ा नहीं था, प्रॉपर इसका वर्ड में ही छुपा हुआ था, इसके नाम में ही छुपा हुआ था, नो डाउट हर चीज क्लियर है हमको ऐसे करके। तो अब एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे तो एग्जाम्पल तो काफी दे ही दिए हैं, बट यहाँ पास और कुछ एग्जाम्पल देकर आप लोग को और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जो नोट्स बनाने के लिए अपन यूज कर लिए रहते हैं। जैसे नाम है राम करके लिखे हैं, तो एक कोई क्रिएचर का नाम है, कोई जीव जंतु का नाम है, क्लियर है इसमें कोई डाउट नहीं। प्लेस का नाम है जैसे कि यहाँ पास रायपुर लिखे हैं, तो इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है इसमें। वैसे ही एक यहाँ पास पंखे का नाम लिख दिए हैं, क्या पंखा है, उषा का फैन है, कोई चीजों का नाम है, तो आप लोग को क्लियर हो गया। तो अब आप लोग को क्लियर होते जा रहा है कैसे मतलब चीजों को देखा जाता है। अगर मैं सिंपल फैन बस बोलता तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन उसमें प्रॉपर मैं क्लियर कर दिया हूँ कौन सा फैन है, ये उषा का फैन है, ऐसे करके, ठीक है। और ऐसा कुछ रियल एग्जांपल आप लोग को देखने मिलते रहता है, आप लोग को थोड़ा सा और नीचे स्लाइड करते हैं। अब कुछ सेंटेंस रहता है, ऐसा सेंटेंस है ना, देखो अब सेंटेंस में आपको पहचानना रहता है, तो आप लोग को सेंटेंस में भी पहचानने का तरीका सिखा देते हैं। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, तो इसमें आपको नाउन कौन सा दिख रहा है, राम दिख रहा है और फ्रेंड दिख रहा है ना। तो अब दोनों में फिर अपन चेक करते हैं, तो प्रॉपर नाउन कौन सा है, राम, बस समझ आया आप लोगों को। फ्रेंड बोलूंगा तो आपको क्लियर हो रहा है क्या, कोई आप लोग को समझ आ रहा है, प्रॉपर क्लियर आ रहा है किसी को फ्रेंड बोलने से, नहीं आ रहा है ना माइंड में, फ्रेंड कौन, फ्रेंड किस, कौन सा फ्रेंड, क्लियर ही नहीं है किस, कौन सा फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पास मैं बोलता हूँ राम, राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो राम मतलब प्रॉपर नाउन है, लेकिन फ्रेंड अपना प्रॉपर नाउन नहीं है, ये भी नाउन है बट प्रॉपर नाउन नहीं है, डिस्कस करेंगे कौन से टाइप के नाउन में आएगा, ठीक है, सबका डिस्कस करते जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हुआ पहले कि इसमें पहला सेंटेंस में राम क्यों प्रॉपर नाउन है, दूसरा में आई लिव एट काफा ऐसा करके है, तो यहाँ पास एक प्लेस का नाम लिख दिए हैं, तो यहाँ पास इससे क्या समझ आता है, ये प्रॉपर प्लेस है, जगह है, गाँव है, तो वैसे जैसे कि रायपुर करके बोले थे कहाँ जाना है ऐसा करके पूछ रहे थे, वैसे फिर तीसरा सेंटेंस में आता हूँ कि इस राधु, वह राधु है, तो यहाँ पास से क्या समझ आ रहा है, कोई लड़के का नाम है, ये भी प्रॉपर है, आपको क्लियर हो रहा है। तो ऐसा मतलब यहाँ पास एक सेंस होता है जिससे आपको समझ आएगा। और कुछ चलो एग्जाम्पल के लिए और कुछ चीजें यहाँ पास लिख के रख दिए हैं, गीता किसी का नाम है, अप्रैल महीने का नाम है, आप लोग को क्लियर पता है। अगर मैं सिर्फ मंथ बोलूंगा तो आपको समझ आएगा कि आप लोग इस मंथ मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि मंथ में आपको मतलब काम कंप्लीट करना है ऐसे करके, अब कौन सा मंथ में कंप्लीट करना है आपको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन मैं जब बोला अप्रैल के मंथ में आपको काम कंप्लीट करना है तो आपको समझ आ गया, प्रॉपर क्लियर हो गया उस दिन आप मतलब, हाँ डे में कंप्लीट करो ऐसे बोलूंगा तो डे में, दिन में कंप्लीट करो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन संडे को कंप्लीट करो ऐसा करके बोलता हूँ, हफ्ते का कौन सा दिन में आपको बताया नहीं रहूंगा तो आपको दिक्कत होगा, तो इसमें देखो संडे करके स्पेशल बोला तो प्रॉपर क्लियर हो गया। गंगा रिवर का नाम है, इसमें भी क्लियर है, रिवर बस बोलता तो समझ नहीं आता कौन से रिवर की बात हो रही है, लेकिन गंगा रिवर की बात हो रही है ये पता चल गया आपको। ताजमहल प्रॉपर क्लियर है, कोई प्लेस का नाम है, कोई जगह का नाम है। बे ऑफ बंगाल ये भी क्लियर है, ठीक है। हिमालयस इसका भी क्लियर है कि किसको बोलते हैं सर के, अपना माउंटेन में। रामायणा ये भी क्लियर है, बुक में कौन सा बुक का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंडिया कंट्री एक जगह का नाम है, तो आपको समझ आ रहा है क्लियरली कि प्रॉपर है, इसमें क्लियर है, अपन को कोई डाउट नहीं है इतना एग्जांपल पे। सो अब आगे बढ़े जी, आप सबको क्लियर हो गया, समझ आ गया प्रॉपर नाउन होते क्या है, एनी डाउट? नो डाउट, ओके चलो ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, गेम प्ले करते हैं, फिर से गेम में आगे बढ़ते हैं। दूसरा गेम है अपने पास कॉमन नाउन,
कॉमन नाउन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को पूछते हैं, आप लोग के पास मौका है फिर से पैसा जीतने का, देखते हैं कौन करोड़पति बनते हो। कॉमन वर्ड को सुनकर आपके माइंड में क्या आता है, इमेज, कुछ भी, कॉमन वर्ड क्यों यूज करते हैं, कोई भी बताओगे, कोई भी जिसको भी अपना माइंड में आ रहा है, कौन बताना चाहोगे जी? सर सिंपल। सिंपल ओके, कॉमन ऐसे करके बोल रहे हैं, कॉमन आपका कहना है सिंपल, सरल, आसान, कॉमन बोलते हैं यहाँ पास, कॉमन बोलते हैं। अच्छा और कोई बताना चाहोगे जी कॉमन वर्ड का सुनकर आपके माइंड में क्या आ रहा है? मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पास उनका हेमलाल का कहना था, उनको मैं एक्सप्लेन किया हूँ, मैं तो अपना बताया नहीं हूँ ना, मैं जस्ट उनका जो बोल रहा था उसको मैं रिपीट किया। चलो ठीक है, अब नाम लेकर पूछते हैं। रश्मि आपको क्या लगता है जी? अच्छा आपको आज पहला बार देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्लास में आप पहली बार आए हो क्या, कि और भी क्लास अटेंड कर लिए थे? तो आप मिसेस में रिप्लाई कर रहे हो शायद, तो आपको मैं यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप माइक ऑन करके बताइएगा कि कॉमन वर्ड का सुनकर आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है, जिसे प्रॉपर को बताए थे ना वैसी। इंटरनेट प्रॉब्लम रहता है सर इधर, अच्छा आपसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे तरफ रहता है, फिर भी मैं आप लोगों का क्लास लेता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को पता है कितना अपन प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट फिर भी अपन वो सब चीज को इग्नोर करके क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके नेक्स्ट किसी और से पूछते हैं। हिना आपको क्या लगता है जी, क्या है कॉमन, कॉमन वर्ड तो सुने होंगे कहीं ना कहीं तो यूज करते होंगे लाइफ में, कहां पास यूज करते हो? सर किसी वस्तु वगैरह की उसकी श्रेणी को दर्शाता है शायद नहीं उधर मतलब दर्शाता है, उसको हटा दो आप, मतलब कहां पास यूज करते हो अपने लाइफ में? सामान्य चीजों में सर। सामान्य चीजों में, अच्छा जैसे कि एग्जांपल बताओगे कुछ? ठीक है नेक्स्ट पूछते हैं सालनी से। सालनी आपको क्या लगता है जी, कुछ बताओ मतलब कॉमन वर्ड आप कहाँ यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में? कौन सा सिचुएशन में यूज करते हो, या फिर इस वर्ड को सुनकर आपके माइंड में क्या आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा, बताओगी जी सालनी? मतलब कोई सभी चीज, मतलब जो ऐसे बोलूं। बताइए। ठीक है आप अपना हैंड राइज को हटा दीजिए ताकि मतलब मेरे को दिक्कतें नहीं होगा बाकी लोग को, और मतलब इधर एक तिलक का हैंड राइज है, तो तिलक आप बताओगे क्या? नहीं पता सर जी। नहीं पता, कॉमन वर्ड एकदम आसान सा तो है, अपने लाइफ में बहुत यूज करते रहते हैं, सोचो बहुत बारी बोलते हैं। ठीक है आपको याद दिलाता हूँ ना तिलक, जैसे कि आप कुछ कपड़ा खरीद के लाए हो और आपके फ्रेंड भी सेम खरीद के ला लिया है, अरे यार आप भी मतलब मेरी जैसे खरीद के ला लिए हो, दोनों का कॉमन हो गया, मजे नहीं आएगा पहनने में, अपने गांव में ऐसे बोलते होगे ना? हाँ ठीक है, और बहुत सारे सेंस में देखो यूज करते हैं, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा था कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा करके चीजों को। तो आपको ये चीजें बस नहीं सीखना है कि आप मेरे से सीख रहे हो उसको, आपको ये भी चीज सीखना है अगर किसी को सिखाना है तो कैसे सीखा जाता है। ठीक है दो चीज में ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, एक तो आप लर्निंग में ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, एक टीचिंग में, दोनों वे को आप नजर, दोनों आप देखने का तरीका देख सकते हो। जैसे कि आप लोग को मैं अदर एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कॉमेडियन होता है कॉमेडी करता है तो बाकी लोग का फोकस क्या होता है, कॉमेडी में होता है, वो लोग हंसते बस रहते हैं, बट वो लोग उस चीज को ध्यान नहीं देते कि उन्होंने उस कॉमेडी को करने के लिए उसके पीछे में कितना मेहनत किया रहता है, बैकग्राउंड में न जाने कितने बार प्रैक्टिस किया रहता है, कितने सारे मिस्टेक किया रहता है, और कितने सारे चीजें वो मतलब रिहर्सल किया होता है फिर आकर परफॉर्म करता है सबके सामने।
तो मैं उस कॉमेडियन का वो सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि कैसे वो अकेला आदमी बाकी लोग को हंसा दे रहा है, हजारों की भीड़ को हंसा दे रहा है, लाखों की भीड़ को हंसा दे रहा है, एक अकेला। तो वो चीजें, वो क्वालिटी, वो स्किल जो है वो डेवलप किया है, उसके पीछे का जो टाइम स्पेंड करता है उसको मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ। तो यहाँ पास देखो, मैं आप लोग को टीच कर रहा हूँ तो आप दोनों चीजें ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। एक तो आप जो सीख रहे हो वो चीजें तो आपसे हो ही रहा है, बट जो मैं टीच कर रहा हूँ तो उसके पीछे का सब आइस ब्रेक हो रहा है। मैं तो आप लोग का माइंडसेट डालना चाह रहा था। तो चलो, कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन वर्ड हम लोग जनरली अपने लाइफ में यूज करते रहते हैं। कोई भी चीज कॉमन रहता है तो दो चीज कॉमन रहेगा, दो से तीन चीज या फिर बहुत सारी चीजों में सेम सेम दिखते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कहीं इतना चीजें कॉमन है ऐसे करके। या फिर आप लोग का किसी से आदत मैच होते रहता है, ठीक है, जो आपका हैबिट है तो आपका फ्रेंड और आपका मैच होते रहता है, दोनों में चीजें कॉमन है, दोनों सुबह उठ जाते हैं ऐसे करके बोलेंगे, दोनों पढ़ने में अच्छे हैं कॉमन है, मतलब दोनों में एक चीज कॉमन है ऐसे करके बोलेंगे। तो आप इसका डेफिनेशन में आते हैं, डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको अच्छे समझ आएगा, क्योंकि नाम तो डेफिनेशन से इसका नाम पड़ा है, कहीं और से नहीं पड़ा है। क्या चीज को रिफर करता है, क्लास को रिफर करता है, क्लास मतलब कोई भी जाति को, ठीक है ना। क्या चीज का, क्रिएचर का, कोई प्लेस का मतलब जीव जंतु का, प्लेस का, थिंग का, चीजों का, ठीक है। तो जैसे मैं अब जाति में बोलूं तो क्या चीजें इसमें लाते हैं, क्रिएचर में, क्रिएचर में जी जैसे कि आप लोग को मैं बोलता हूँ, आप लोग सभी कॉमन, आप लोग में क्या है, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये नाउन है तो सबके लिए कॉमन है ये। कोई एक को बता रहा हूँ क्या मैं स्टूडेंट बोलकर, सबके लिए हो जा रहा है वो कॉमन। प्लेस बोल रहे थे थोड़ा देर पहले, की एग्जाम्पल लिए थे, बस में जा रहा है, जा रहे थे आप लोग, और बस में आप लोग कंडक्टर से बोल रहे थे कि मेरे को एक सिटी जाना है शहर के, तो सिटी क्या है, कॉमन है, क्योंकि सिटी बहुत सारे मतलब सिटी को कॉमन यूज करते हैं। लेकिन आप लोग प्रॉपर नाउन में तब उसको बोले जब रायपुर करके बोले तो प्रॉपर नाउन में गया, लेकिन आप लोग जब सिटी सिटी करके बस बोल रहे थे या फिर विलेज विलेज करके जगह का नाम बोल रहे थे प्लेस में, तो उस टाइम पे क्या था, वो चीजें कॉमन था, क्योंकि सभी सिटी को हम लोग सिटी ही बोलते हैं, सभी कंट्री को कंट्री ही बस बोलते हैं, जब तक उसका प्रॉपर नाउन नहीं लेते तब तक हमको समझ नहीं आता है। तो कॉमन नाउन में हम लोग को क्या रहता है, जो चीजें एक समान होता है उसको एक जगह रख देते हैं, चाहे वो क्रिएचर में हो, ठीक है, ऐसे नाउन जो कॉमन कॉमन देखने से लग रहा था उसको एक जगह रख दिए हैं, ठीक है। प्लेस हो सकता है या फिर वो चीजें, या फिर कोई चीजें हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है। अब चीजों में क्या, इसमें वापस आते हैं, जैसे कि मैं बस एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मोबाइल करके या फिर लैपटॉप, तो मोबाइल करके बोलूंगा आपके सामने, मैं दो मोबाइल रख देता हूँ तो आप लोग जैसे कि एक रेडमी का रखा हूँ और एक सैमसंग का, तो दोनों में कॉमन क्या है बोलेंगे, तो क्या बोलोगे आप लोग का आंसर क्या रहेगा, दोनों मोबाइल है ऐसे बोलोगे, यही बोलोगे, दोनों में कॉमन क्या चीज बोले आप लोग, मोबाइल है ऐसे करके बोले, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको प्रॉपर नाम बोलूंगा तो प्रॉपर नाउन में जाएगा रेडमी का मोबाइल करके, या फिर सैमसंग का, या फिर वन प्लस का, या फिर आप लोग बोलोगे एप्पल का, किसी का भी मोबाइल का नाम प्रॉपर बोलूंगा तो आप लोग को समझ आएगा। लेकिन ओनली जब मोबाइल करके बस बोलता हूँ, कोई थिंग का नाम है जो कि सब सभी मोबाइल के लिए एक यूज किया जाता है, कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। आप लोग को समझ आ रहा है, अब धीरे धीरे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, आ रहा है सबको समझ, यस अगर आ रहा होगा तो हैंड रेस कीजिए। हाँ ठीक है, अब यहाँ पास दिखाते हैं और बाकी चीजों को, सेम वही दुकान वाले के एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं। अब दुकान गए थे सामान खरीदने के लिए, स्टेशनरी गए थे ना आप लोग, क्योंकि आप लोग को प्रोजेक्ट दिया गया है आपके कॉलेज में, अब आप लोग स्टेशनरी गए, कुछ सामान की जरूरत थी आपको खरीदने की, तो आप स्टेशनरी वाले से जाकर बोलते हो मेरे को पेन चाहिए, स्टेशनरी वाला पूछता है क्या पेन चाहिए आपको, आप बोलते हो मेरे को पेन चाहिए, तो उनको समझ आएगा क्या कौन सा पेन के बारे में बात कर रहे हो, नहीं समझ आएगा जब तक आप उसको प्रॉपर नाम नहीं बताओगे। तो जब तक आप ओनली पेन बोल रहे हो, क्या आप ब्लू पेन मांग रहे हो या ब्लैक पेन मांग रहे हो, रेड पेन मांग रहे हो, या फिर कोई कंपनी के स्पेशली बोलकर आप मांग रहे हो इस कंपनी का मेरे पेन चाहिए, तब तक उसको क्लियर नहीं होगा। अब प्रॉपर नाउन को जब तक नहीं बताओगे तब तक उसको क्लियर नहीं होगा। लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है, ओनली पेन करके यूज कर रहे हो, पेन वर्ड क्या है आपका, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो अब आप लोग को सब चीज को एक्सप्लेन करते हुए दिखाता हूँ। अगर कोई क्रिएचर की बात हो रही है, कोई जीव जंतु की बात हो रही है, उसमें कॉमन क्या होता है, बॉय,
सभी लड़के को बॉय को अपना क्या बोलेंगे, कॉमन ही बोलेंगे, सब में कॉमन क्या है, बॉय है ये लोग, इतने लोग, इतने लोग गर्ल हैं सर के बोलेंगे। टीचर को मतलब क्या आप बता सकते हो कि किसको टीचर बोले? टीचर तो सबके लिए कॉमन होता है, डॉक्टर सबके लिए कॉमन होता है, लड़का हो या लड़की, लड़का लड़की ऐसे नहीं वेट करता मान लो जाए। सिंपल यहाँ पास बताऊंगा, एक जाति को डिनोट करता है, एक ग्रुप को डिनोट करता है, ग्रुप नहीं बोलेंगे जी, यहाँ पास कॉमन वर्ड यूज किया जाता है सभी के लिए, डॉक्टर ऐसे करके, एनिमल करके बोल रहा है तो भी सभी एनिमल को क्या बोला जाता है, एनिमल बोलते हैं जब तक उसका प्रॉपर नाम नहीं लेंगे, डॉग बोलूंगा तभी वो अलग कहलाएगा जब तक, लेकिन अगर एनिमल बोल रहा हूँ तो प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा, वो कॉमन नाउन कहलाएगा, आपको समझ आ रहा है? कैट बोलूंगा तब वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, लेकिन अभी ओनली एनिमल बोल रहा हूँ तो क्या कहलाएगा, वो कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी एनिमल को हम लोग एनिमल ही बोलते हैं, ह्यूमन को ह्यूमन ही बोलते हैं। किंग राजा एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है सभी के लिए, सभी राजा के लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, जब तक उसका नाम नहीं बोलेंगे तब तक वो प्रॉपर नाउन में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पास नॉर्मली किंग करके बोलूंगा तो सभी किंग को तो किंग बोला जाता है, राजा बोला जाता है। तो ये हो गया क्रिएचर की बात, आप लोग को एग्जाम्पल और बहुत सारे मिल जाएगा गूगल में सर्च करोगे तो। और उसके बाद आते हैं प्लेस की, प्लेस में कॉमन क्या होता है, स्टेट, जैसे कि अपना स्टेट छत्तीसगढ़ है, किसी और का स्टेट कुछ और है, जैसे कि निधि का स्टेट उन्होंने बताई थी उस दिन यूपी है, ऐसा करके तो सबका अलग अलग है। यहाँ पास विलेज, विलेज जो बस में कंडक्टर से बात हो रहा था उससे, वही तो था यहाँ पास, कहाँ जाना था ऐसा करके पूछ रहे थे, विलेज जाना था तो उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी विलेज को तो विलेज ही बोला जाता है, कॉमन वर्ड यूज किया जाता है सभी विलेज के लिए, एक वर्ड बना के रख दिए। तो ऐसे नाउन, ऐसे नाम जिसको हम लोग को बताने में आसान जाए, मतलब बताने में आसान कहने का मतलब वो चीजें कॉमन रहे, कोई क्लास को डिनोट करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं ना। वो प्लेस हो सकता है, कोई क्रिएचर का नाम हो सकता है, या फिर कोई चीजों का नाम हो सकता है। टेम्पल, टेम्पल बोलने से आपको क्या समझ आ रहा है, कौन सा टेम्पल की बात हो रही है, क्योंकि सभी टेम्पल को कॉमन टेम्पल ही बोला जाता है। अगर मैं बोलूंगा उसमें राम टेम्पल, कृष्ण टेम्पल, ठीक है, तो वहां पर तब आपको प्रॉपर नाउन मिलेगा, लेकिन जब तक टेम्पल बस बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, कंट्री, आपको समझ आ रहा है, प्लेस समझ आ गया, क्लियर हुआ, प्लेस के मतलब बारे में भी बात कर रहा हूँ वो चीजें। समझ आया जी? हाँ, सब लोग हैंड राइज कर रहे हैं तो क्लियर तो हो गया। थिंग में भी क्लियर कर दूं मैं, लैपटॉप, मोबाइल, टेब, यहाँ पर आप बोल सकते हो टेबल, पेन, फैन, जितना भी चीजें थिंग आपके आसपास में जो भी देख लो, आपको बहुत सारे नाउन दिख जाएगा आसपास में, घूम कर देखोगे ना जब आप बस बैठे बैठे देखो आसपास को, कितने सारे नाउन दिख रहे हैं आपके रूम में, बहुत सारे नाउन दिख रहे हैं आपको, सोच नहीं सकते इतने सारे नाउन दिख रहा होगा। अब उसमें आप लोग सोचो कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। चार्जर दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, आपको बुक दिख रहा होगा बहुत सारे, पेन दिख रहा होगा, कॉपी दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा होगा, कोई लोग दिख रहे होंगे आसपास में चल रहे होंगे, तो आपका बिस्तर, बेड दिख रहा होगा, तो आप सोचो मैप दिख रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, लाइट दिख रहा होगा, फैन दिख रहा होगा, तो ये सब क्या है, नाउन है। अब इसमें क्या, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, क्या टाइप का नाउन में रखें, सोचो, देखो, दिमाग लगाओ, आपको ऐसी बहुत सारे नाउन मिल जाएगा। नाउन की कमी नहीं है दुनिया में, मैं बोला था ना 99% नाउन ही है। ओके, अब आगे बढ़े, कॉमन नाउन सबको क्लियर, ऑल क्लियर, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हो ताकि आप लोग का नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। हिना आपको क्लियर है जी? यस सर। चलो ठीक है, मैं तो जस्ट ऐसी मतलब चेक करा था, बाकी लोग को मतलब वहां सब हैंड राइज किए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब तो आप लोग को समझ आ गया होगा मैं क्या पूछने वाला हूँ, सब लोग पहले से रेडी हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है ऐसा करके ना, तो दिख रहा है आप लोग को, कलेक्टिव, ठीक है जी, कलेक्टिव, कोई है क्या यहाँ पास, कोई कलेक्टर है क्या यहाँ अपने ग्रुप में, उसी से तो बना है ना, कलेक्टर से मिलकर बना है कलेक्टिव, और उसी का एक मतलब नाम होता है कलेक्टर, ठीक है। तो आप लोग को पता है कलेक्टर का हिस्ट्री, लोग अभी कलेक्टर बनने के लिए मतलब मारा मारी करते रहते हैं आईएएस के लिए, इसके मतलब एग्जाम के लिए बहुत भीड़ रहता है, अभी कुछ हाल में ही रिजल्ट आया है, फिर बाकी लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, तो वैसे तो इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे, बट मैं यहाँ पास आप लोग को पूछना चाहूंगा, एक मतलब कलेक्टिव को मतलब थोड़ा साइड में रखते हैं, कलेक्टर जो था
जो स्टार्टिंग जो उसका जर्नी था वो कैसा हुआ बता सकते हो? कब जरूरत पड़ी, कैसे बना, इन लोग का पोस्टर कहाँ से मतलब पैदा हुआ, ये बता सकते हो? हिस्ट्री, हिस्ट्री पता है आप लोगों को? अगर हिस्ट्री को आप सिर्फ बुक के नॉलेज से पढ़ते होगे तो आप लोग को नहीं पता होगा, अगर आप हिस्ट्री को हिस्ट्री के वे में पढ़ते होगे, जानने के इंटरेस्ट के वे में, तो आप लोग को पता चल जाएगा। किसी को पता है क्या जी कलेक्टर क्यों बने, कलेक्टर पोस्ट की जरूरत क्यों पड़ी और कब इसका स्टार्ट हुआ था? कोई भी, कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट है क्या यहाँ पास 8 से? 8 के स्टूडेंट का क्या बात है, तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। किसी को नहीं पता यहाँ पास? देवराज आपको क्या लगता है जी कलेक्टर के पोस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? आईएएस ऑफिसर बनते हैं जिसमें कलेक्टर बना जाता है, तो आपका कहना क्या है आप बताओगे? आप पहला ही क्लास है सर, आप मेरे को मतलब ये सब पूछ रहे हो, ऐसे बोल रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हाँ तो कलेक्टर का पोस्ट की जरूरत क्यों पड़ी बता सकते हो सोचकर? उसके नाम में ही छुपा है, मैंने हिंट भी दे दिया था। कलेक्ट हाँ कलेक्ट करके बोले थे। कार्य हाँ चलो ठीक है जी, मैं आप लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री में शेयर करना चाहूंगा। ओके आप अपना माइक बंद कर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ बाकी लोगों को। हाँ ठीक है, देखो एक समय क्या था, हिस्ट्री को बताते हैं ना थोड़ा सा। अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कैसा है पता है? ऐसा मतलब इतना थोड़ा सा बुरा क्यों है? पहले बहुत अच्छा था बट अंग्रेज लोग आने के बाद सब चीज को बिगाड़ दिए ना, तो हिस्ट्री में थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि मतलब मैं एक टाइम पे थोड़ा सा एग्जाम वगैरह प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था ना, मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था बट हिस्ट्री मतलब एग्जाम में आता था, इस वजह से पढ़ रहा था। तो मैं हिस्ट्री को एज अ बस हिस्ट्री टाइप का मतलब बुक नॉलेज टाइप का नहीं पढ़ रहा था, मतलब डिटेल के साथ मेरे पढ़ने में मजा आ रहा था। कुछ टाइम तक पढ़ा, उसके बाद उसको बंद कर दिया क्योंकि एग्जाम को प्रिपरेशन छोड़ दिया मैंने। तो मैं वहां पास से आप लोग को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए बताता हूँ, एजुकेशन सिस्टम कैसा अपना इंडिया का हुआ कि अंग्रेज लोग आए, उन लोग को क्या था, उन लोग को कोई किसी को बड़े पोस्ट में भेजना ही नहीं था। पहला चीज उन लोग के माइंड सेट एक क्लियर था, क्योंकि इन लोग को अगर ज्यादा एजुकेशन दे देंगे तो ये लोग तो हम लोग पे रूल करना शुरू हो जाएंगे ऐसे करके। तभी तो लोग 200 साल तक रूल किए, 200 साल काफी होता है, 2 पीढ़ी निकल जाते, 2 से 3 पीढ़ी, तो मैं भी उससे ज्यादा भी किए हैं। 2015 में आए थे वो लोग, सॉरी 1500 ईस्वी में आया थे, उस टाइम पे आया था कुछ, ठीक है 1492 में आया था, एग्जैक्ट मेरे पता है बट उसको मैं हिस्ट्री नहीं बताऊंगा आप लोग को। तो अब वो लोग गए कब आप लोग को पता है? 1947, लगभग 4 साल, देख लो जर्नी काफी टाइम होता है 4 साल। तो अब आप लोग को बताएं डिटेल कि क्या था कलेक्टर का। उन लोग एजुकेशन सिस्टम लाए थे जिसमें उन लोग को ऐसा मतलब आदमी नहीं चाहिए था जो उन लोग पे रूल करे, वो लोग ऐसा एजुकेशन दे रहे थे जो हम लोग के लिए रूल करे, हम लोग का काम माने, हम लोग को बातों माने, हम लोग का जॉब जो दे रहे हैं उसको काम करे ऐसे करके ना। तो उन लोग का पर्पस यही था, इतना ही एजुकेशन दे ताकि ये लोग हम लोग का काम कर सके। तो उन लोग को यहाँ से बहुत सारे सामान को ले जाना था अपने कंट्री इंडिया से, आप लोग की हिस्ट्री तो पता होगा इतना चीजें। तब उन लोग को सामान कलेक्ट करने वाले लोग की लीडर की जरूरत थी, तो लोग कलेक्टर बनाना शुरू किए, जो लोग हर एरिया में अलग अलग सामान को कलेक्ट करते थे, इस वाले एरिया में ये सामान है तो इसको वो लोग कलेक्ट कर देते ताकि वो लोग फिर ट्रेन से ले जाते थे ना। तो इस वजह से उन लोग कलेक्टर का जॉब बनाए थे। बट अभी कलेक्टर का वैल्यू बढ़ गया है, अभी काम चेंज हो चुका है, अलग चीजें हो गया है, लेकिन जो पर्पस था स्टार्टिंग जो था, जो अंग्रेज लोग बनाए थे उसका पर्पस यही था, सामान को कलेक्ट करने के लिए बनाए थे वो लोग। हर एक एरिया में सामान को कलेक्ट करते थे कलेक्टर लोग, फिर उसके बाद जाते थे ले जाते थे, ठीक है वो लोग। तो ऐसा कुछ था सिनारियो अपना, बट उसको इग्नोर करते हैं, उसको हटाते हैं, अपना आते हैं कलेक्टिव नाउन पे, नाउन नाम कलेक्टिव कलेक्शन। अब इसका नाम कैसे पड़ा इस पे आते हैं, इसका डेफिनेशन को दिखाते हैं आप लोगों को। इसमें बात होती है, अब नाउन है तो नाम के ही बारे में बात हो रही है, टोटली आप लोग को पता है। तो क्या चीज के नाम के बारे में बात करता है, क्या चीज को डिनोट करते हैं, क्या चीजों को बताता है? नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप का नेम को बताता है, क्योंकि कलेक्टिव से समझ आता है ग्रुप के बारे में बात हो रही है। समूह, हिंदी को देखो समूहवाचक संज्ञा, समूह को बता रहा है, ग्रुप को बता रहा है। तो क्या चीज का नाम को बताएगा, ग्रुप का नाम को बताएगा। वो ग्रुप हो सकता है कोई क्रिएचर का हो सकता है, कोई प्लेस का हो सकता है, कोई जगह होगा या फिर कोई चीजों का, कोई थिंग का, ठीक है। तो दिखाते हैं आप लोग को, एग्जाम्पल समझाते हैं, एक सेकंड मैं थोड़ा सा सब चीज को हटाना चाह रहा था।
तो आप लोग सोचो और बताओ क्या हो सकता है। क्रिएचर में सीख देखो, जीव जंतु में क्या होता है, पीपल लोग, क्या है ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों का, व्यक्तियों का ग्रुप को क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं, आप लोगों को पता है। इसी में आपको और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, जूम आउट। क्राउड, भीड़, एक वर्ड आप लोग सुने हो क्राउड करके, इसका मीनिंग होता है भीड़। क्या चीज को बताता है जी, ये ग्रुप ऑफ पर्सन को बताता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, समझ आ गया कैसे बता रहे हैं चीजें यहाँ पास। फिर उसके बाद है बैच, आप लोग को पता है ना, जैसे कि हम लोग कोचिंग क्लास लेते रहते हैं, फिर कहीं भी आप सुनते रहते हो कोचिंग क्लासेस करके ना, तो उसमें पहला बैच है, दूसरा बैच है, ये तीसरा बैच है, ऐसा करके सुनते हैं। फर्स्ट बैच में कितने लोग हैं, सेकंड बैच में कितने लोग हैं, तो बैच क्या चीज बताता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को बताता है। ये चीज समझ आया आप लोगों को, थोड़ा क्लियर होते जा रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बैच को क्या समझ आया आपको, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना, तो स्टूडेंट बोलता था तो उस टाइम पे क्या समझ आ रहा था आप लोग को, ये कॉमन नाउन है, लेकिन मैं अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, बैच ही बोलूंगा। टीम करके सुने हो, टीम वर्ड से क्या माइंड में क्या आता है, कोई एक को, एक आदमी का टीम हो सकता है क्या, एक प्लेयर का टीम हो सकता है क्या, ठीक है आप लोग रिप्लाई भी किया करो तो थोड़ा सा समझ आता है। क्या एक प्लेयर का टीम हो सकता है, ठीक है, ग्रुप दो या फिर दो से अधिक लोगों का ग्रुप रहेगा तभी अपना टीम कहलाएगा ना, तो टीम वर्ड को सुनकर आपके माइंड में क्या आता है, कोई समूह के बारे में बात हो रही है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, तो कलेक्टिव नाउन में इसी वजह से आता है, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है, नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप का नाम, तो ये ग्रुप का नाम है ये टीम अपना। वैसे ही अब फिर से और कुछ एग्जाम्पल देते हैं आप सभी के सामने और आप लोग को दिखाते हैं। बंच, जो अंगूर का गुच्छा होता है, क्या अंगूर के गुच्छा में जो ग्रेफ होता है, जो दाना होता है अंगूर का, एक ही होता है क्या, बहुत सारा होता है, गुच्छा होता है, तो गुच्छा सुनकर आपके माइंड में क्या आएगा, बंच सुनकर, बंच मतलब सिंपल सी बात है, बहुत सारा मतलब ग्रेफ है, इस वजह से ग्रेप्स, ठीक है। तो इससे समझ आ जाता है आपके माइंड में कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ग्रुप के बारे में बात हो रही है, ऐसे करके। फैमिली, फैमिली वर्ड को सुनकर आपके माइंड में क्या आता है, एक आदमी का फैमिली होता है क्या, कहीं सुने हो एक आदमी का फैमिली होता है, नो सर। मेंबर ऑफ ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स का फैमिली बनता है ना, तो फैमिली में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, किड्स होते हैं, आंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं सब, मतलब फैमिली को आप बढ़ाते जाएं नॉर्मली दो या फिर दो से अधिक, सिंपल सी बात, फैमिली इसी को बोलेंगे, मेंबर्स का ग्रुप को। तो आप लोग को कुछ नाउन दिख रहा है यहाँ पास लिस्ट, ऐसे बहुत सारे नाउन हो सकता है, तो आप लोग को पता तो होना चाहिए ना कौन सा नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो अब आप लोग को समझ आते जा रहा है अब हम लोग को टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी, इन लोग का ग्रुप का लिस्ट को अलग बना के रखना जरूरी था, अगर कोई पूछेगा फैमिली कौन सा नाउन है तो आप लोग को बताने में दिक्कत ना जाए, ताकि अपने सहूलियत के लिए हम लोग बना के रखें। तो स्टार्टिंग में क्लास को इसी से स्टार्ट किया था मैंने कि टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत यही सब चीज के लिए पड़ा हम लोग को ना। तो आप लोग का क्लियर होते जा रहा है क्यों हम लोग को टाइप नाउन की जरूरत पड़ रही है, और ये सब अलग अलग टाइप ऑफ नाउन है, तो किस तरीके से हम लोग इसको डिफ्रिशिएट कर रहे हैं, कैसे अपन पहचान रहे हैं, सेंटेंस में कैसा रहता है, कहीं पास भी आप सेंटेंस को देख के कैसे पहचानोगे। जैसे कि यहाँ पास है दे पीपल आर सेल्फिश, वे लोग सेल्फिश हैं, ऐसे करके यहाँ पास सेंटेंस है, तो इसमें आपको नाउन को पहचानना रहता, तो यहाँ पास जो पीपल है तो इसको आप लोग नाउन कैसे बोलते हैं, कौन सा नाउन करके पूछते तो आपको कैसे पता चलता, तो यही सब चीजें हैं। अब आपको समझ आएगा कि ये नाउन है बट कौन से टाइप का नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ये बहुत सारे लोगों को बता रहा है, ये ऐसे करके समझ आएगा आपको। फिर उसके बाद नीचे में एग्जांपल है, आवर फैमिली मेंबर, आवर फैमिली मेंबर्स आर गुड, तो फैमिली यहाँ पास जो है वो अपना नाउन है, तो कैसा नाउन है आपका, हमारे फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं, ऐसे बोल रहे हैं ना, गुड। तो यहाँ पास फैमिली आपका कौन से नाउन में आएगा, आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो ऐसी कुछ अदर्स एग्जाम्पल और है जो आप सभी के सामने रख देते हैं, जो क्या चीज को बताएगा, आपका ग्रुप को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पास नीचे में दे देते हैं जी एग्जाम्पल को, आप लोग देख लो, आर्मी,
आर्मी सुनकर आपके माइंड में आता है, एक आदमी को आर्मी बोलेंगे क्या? नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे उसमें, तब उसी को बोलेंगे, बहुत सारे सोल्जर्स रहेंगे उसमें। यस सर। ठीक है, क्लास, ये भी ग्रुप को बताता है, कोई जाति को। ठीक है, कमेटी, संस्था जो समुदाय होता है, काउंसिल। ठीक है, डिपार्टमेंट, एक आदमी का डिपार्टमेंट नहीं होता, ग्रुप होते हैं इसमें भी। सोसाइटी, समाज, एक आदमी का नहीं होता। मेजॉरिटी, एक वर्ड है, मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी पीपल का राय है ऐसे बोलते हैं, ज्यादातर लोगों का यही राय है ऐसे करके। माइनॉरिटी, बहुत कम लोगों का, तो ये भी तो ग्रुप को ही बता रहे। ऑडियंस, क्या एक आदमी को ऑडियंस बोलेंगे क्या? बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑडियंस वर्ड मतलब कहाँ पास माइंड सुनते हैं आपके माइंड में क्या आता है, बहुत सारे लोग हैं ऑडियंस, बैठे हैं सुन रहे हैं, परफॉर्म को देख रहे हैं, जो भी हो सकता है आप। ज्यूरी, ज्यूरी भी होता है वो जो ग्रुप को बताता है। कंपनी, ये भी ग्रुप को बताता है। कॉरपोरेशन, ये भी ग्रुप को बताता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप लोग गूगल करोगे कलेक्टिव नाउन ऐसे करके, ना जाने कितने सारे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, देखना एक बार रिसर्च करके, आप लोग कितना रिसर्च करते हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी तक हम लोग तीन चीजें डिस्कस कर लिए हैं, क्या किए हैं, पहला प्रॉपर नाउन किए हैं, दूसरा कॉमन नाउन किए हैं, तीसरा कलेक्टिव नाउन किए हैं। और आप लोग को मैं एक चीज और बता दूं, अब आप लोग को डाउट आना शुरू होगा कि यह नाउन कौन सा है, टाइप में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाओगे, या कॉमन है कि प्रॉपर है कि यह कलेक्टिव है, ऐसा करके आप लोग के माइंड में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू होगी। अब धीरे धीरे मेरे को पता है, तो आप लोग ट्राई करते जाना, आप लोग को पता चलते जाएगा, जितना ट्राई करोगे उतना पता चलते जाएगा। और आप लोग को मैं यही चीज सिखा रहा हूँ खुद से, कैसे डाउट सॉल्व किया जाता है, कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे लर्न किया जाता है, इस चीज में मेरा फोकस है टोटली। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। अब आप लोग से क्वेश्चन है मेरा, मटेरियल, इसको सुनकर, इस वर्ड को यूज कहाँ पास करते हैं, इसको सुनकर आपके माइंड में क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा, मटेरियल, पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल। बताओ जी आप लोग कौन बताओगे, कुछ भी तुक्का लगा दो। रश्मि आप बताओगी? वस्तु। अच्छा, वस्तु शास्त्र स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ बताइए जी, देवराज बता रहे हैं। वस्तु बस बोल के चले गए जी, थोड़ा सा डिटेल बताओ ना, थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आएगा, मतलब ऐसा है मौसम ऐसा करके बोले, अब बताया ही नहीं मौसम कैसा है मौसम अच्छा है बुरा है क्या है, बताया ही नहीं, आप ऐसे चले गए, थोड़ा सा बता दो, एक्सप्लेन कर दो मौसम अच्छा है कि बुरा है, वैसे आप वस्तु करके बोल कर चले गए वस्तु कन जैसे कुछ मटेरियल, टेबल, किताब, या तो हमारे देश में जो बन रहा है वो और दूसरे देश में जो बन रहा है वो, क्या बन रहा है जी दूसरे देश में, जैसे हमारे देश में क्या बन रहा है। ठीक है, अब तो मतलब बात इंटरनेशनल आ गया है, नेशनल और ठीक है, नेशन और नेशनल और इंटरनेशनल वाली बातें हो रही है, तो अपन बताएंगे उत्तर, मतलब अपने को सोचने की जरूरत, एकदम कॉमन सेंस लगाएंगे, चीजें आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अपने आसपास में ही देखेंगे, इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, देखना आप लोग को मजा आएगा इसमें ना तो नेक्स्ट मैं यहाँ से पूछता हूँ हिना से। हिना आपको क्या लगता है जी, मटेरियल नाउन क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या बताओगी? मटेरियल पदार्थ वगैरह के बारे में सर, जैसे सोना चांदी को बोध करता होगा। को बोध करता होगा, अच्छा ठीक है, आपको कहना ये है मतलब सोना चांदी चाहिए ना, ठीक है। हेमलाल आपको क्या लगता है जी, मटेरियल टेरियल बोल रहे तो थोड़ा केमिस्ट्री साइड जा रहा है ध्यान। हाँ ले जाओ ले जाओ, बताओ सब सब जाना चाहिए माइंड, मतलब मटेरियल जैसे कि वहाँ कुछ भी रहता है, कॉपर वॉपर सिलिकॉन, सब होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री भी तो क्या बताता है आपका, एक एक मटेरियल को बताया ना पूरा अपना आवर्त सारणी में,
पीरियोडिक टेबल में सब मटेरियल के नाम को एक्सप्लेन किया, जितने भी अपना अर्थ में पाया गया है, सबको नहीं बताया जितना, लेकिन आदमी को पता चला है उतना बताया है ना। और बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, बट आदमी को जितना पता चला उतना ही मतलब उसमें डिस्कस किया गया है। हाँ ओके, तो और बाकी लोग से देखते हैं, तिलक आपको क्या लगता है जी, बताइए आपको क्या लग रहा है कि मटेरियल नाउन सुनकर आपके माइंड में क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा, नाउन मतलब नाम है ना, तो मटेरियल का नाम है सर के चल रहा है बात है। मटेरियल में आयरन आ सकता है, स्टोन, अच्छा हाँ क्ले हाँ बस इतना, अच्छा आपके लिए बस इतना ही, चलो ठीक है अच्छी बात है। अभी देखना अभी सबका मतलब लाएंगे, धीरे से समझ आएगा आप लोगों को की चीजें क्या है। बहुत सारे होंगे व्यक्ति बहुत सारे वस्तु का निर्माण भी हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, कहे नहीं हो सकता, हाँ सब हो सकता है, हम देखना चाहते हैं। अच्छा आप बताओ पहले, एक्सप्लेन कर दो फिर अपन बताएंगे। तो क्या चीज का निर्माण बोले जी, जैसे बताओगी कुछ घर वगैरह बनाने का बात कर रहे हो क्या? ठीक है अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, और सभी आंसर्स को आप लोग को, हाँ सभी आंसर्स को आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो नाउन अपना क्या बताता है, नेम को बताता है, अपने को तो एक चीज पता है पहले से क्लियर है। तो यहाँ पास बात हो रही है, अब ऐसे बहुत सारे नाउन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिसको हम लोग नाम, उसका नाम रखे है ना, तो उस सब चीज को किस में ला के रख दिए हैं, मटेरियल नाउन में ला के रख दिए हैं। जितने भी पदार्थ है दुनिया में, जितने भी मटेरियल है, सबको किस में ला के रखे, मटेरियल नाउन में ला के रखे, ताकि अपने को दिक्कत मत हो। इसका हम लोग अलग से एक जगह बना के रख दिए हैं अपने पार्ट टाइप में, तो इस वाले पोर्शन में अपना क्या रहेगा, पूरा मटेरियल नाउन को रख देंगे ऐसे करके। तो आप लोग को समझाता हूँ मैं थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू, फिर आप लोग को समझ आएगा और अच्छे से ना, पदार्थवाचक संज्ञा। तो मेरे को लग रहा था आप लोग को ऐसे, सभी लोग सही आंसर दे रहे थे जितने भी दे रहे थे, बट उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब मटेरियल नाउन क्या होता है जी, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल, कोई पदार्थ का नाम हो सकता है, कोई तत्व का, या फिर कोई सब्सटेंस का, सब्सटेंस मतलब पदार्थ ही होता है, या फिर क्या हो सकता है वो चीज का, जो भी चीज आपका है उससे बना होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे थोड़ा देर पहले मतलब देवराज बोल रहे थे कि टेबल करके, टेबल तो अपना कॉमन नाउन है, बट जो टेबल जो बना है वो क्या चीज का बना है, वो मटेरियल नाउन है। क्या चीज का बना है, लकड़ी का बना होगा, या फिर स्टील का बना होगा, या फिर लोहे का बना होगा, आयरन का, कुछ भी का बना हो सकता है, या फिर प्लाईवुड का बना होगा। तो क्या चीज से बना है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपको समझ आएगा, कोई मेटल का नाम, कोई पदार्थ का नाम, जैसे कि पदार्थ क्या हो सकता है, आसपास में देखो बहुत सारे पदार्थ देखने मिल जाएगा, प्लास्टिक, लोहा, या जो कुर्सी है क्या चीज का बना है आपका, प्लास्टिक का बना है, ठीक है। जो आपका गिलास है क्या चीज का बना होगा, ग्लास से बन सकता है या फिर स्टील से बन सकता है, कुछ भी। बुक आपका क्या चीज से बना है जी, जो बुक का पेज नॉर्मली लकड़ी से बना है, वुड से बना है, पेज से। और देखो आसपास में हर इस चीज को देखते चलो, आसपास में जितने भी चीजें आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इसी वजह से मैं बोला नेशनल इंटरनेशनल में जाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ, आसपास में देखो चीजों को, ऑब्जर्वेशन करो, पता चल जाएगा। तो आप जो केमिस्ट्री में बोल रहे थे जितने भी पदार्थ करके हेमलाल, तो वो सब चीजें हाँ आएगा इसमें, ठीक है। जितने भी आप मेटल के बारे में बात कर रहे थे, तत्व के बारे में बात कर रहे थे, सब्सटेंस के बारे में, सब चीजें आएगा। ऑक्सीजन बोल रहे थे, ठीक है, आप गोल्ड बोल रहे थे, किसी ने और कुछ बोल रहे थे, ठीक, कॉपर बोल रहे थे, हर एक चीज है, जितने भी चीजें हैं वो सब क्या है, मटेरियल नाउन है। तो अब आप वापस आता हूं मैं बैक ऑफ फाइट, सबको समझ आया पदार्थवाचक संज्ञा, जो मटेरियल नाउन के बारे में बात कर रहा है क्या होता है, या फिर वो मटेरियल का नाम होगा, या फिर वो उस क्या चीज से बना है उसका नाम होगा, कोई चीज, कोई थिंग, कोई वस्तु क्या चीज से बना है वो अपना क्या होगा, मटेरियल होगा, ठीक है। और मटेरियल का नाम को कुछ ना कुछ दिया, समझ आएगा, हैंड राइज कर दो।